मणिपुर के विष्णुपुर और चुराचांदपुर जिले में पिछले 72 घंटों के दौरान कुकी और मैती समुदाय के बीच लगातार गोलीबारी के कारण कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और 2 सुरक्षा कर्मियों सहित 18 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि विष्णुपुर जिले और चुराचांदपुर जिले के चिंगफेई और खैसाबुंग इलाके में दोनों समूहों के बीच अभी गोलीबारी जारी है। उन्होंने कहा कि हिंसा 29 अगस्त को शुरू हुई जब खोई रेंटक क्षेत्र में भारी गोलीबारी के बाद लगभग 30 वर्षीय एक ग्रामीण स्वयंसेवी की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि हिंसा में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति की बृहस्पतिवार सुबह लगभग 9 बजे चुराचांदपुर जिले के अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने बताया कि चिंगफेई इलाके में बुधवार शाम हुई गोलीबारी में घायल हुए 5 लोगों में से 3 लोगों को चुराचांदपुर जिला अस्पताल ले जाया गया था। विष्णुपुर के नारायण सेन गाँव के पास मंगलवार को हिंसा की विभिन्न घटनाओं में 2 लोग की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हो गए थे। सूत्रों ने बताया कि एक की मौत गोली लगने से हुई थी जबकि दूसरे की मौत खुद की देसी बंदूक से गोली चेहरे पर लगने से हुई थी। आईटीएलएफ ने एक अलग बयान में दावा किया कि पीड़ितों में एक गायक भी शामिल है। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि सुरक्षा बलों द्वारा कांगपोकपी, थैबल, चुराचांदपुर और इम्फाल पश्चिम जिले के सीमांत और संवेदनशील इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान 5 हथियार, 31 गोला बारूद, 19 विस्फोटक, आईईडी सामग्री के 3 पैक बरामद किए गए। पुलिस ने विभिन्न जिलों में 130 नाके भी लगाए हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर 1640 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पर्वतीय जिलों में 3 मई को आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद राज्य में भड़की जातीय हिंसा में अब तक कुल 160 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य की आबादी में मैतेई समुदाय की हिस्सेदारी लगभग 53% है और वे मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नागा और कुकी जैसे आदिवासी समुदायों की आबादी 40% है और उनमें से ज्यादातर पर्वतीय जिलों में निवास करते हैं।